ने, भाइयों ने, काका ताऊ ने, माता बहनों ने, मेरा राम राम। कोरोना के मामले में सारी जो गतिविधि चल रही है, जो सरकार के निर्देश आ रहे हैं, वो अपने टेलीफोना पे और टीवी में आप देखने लग रहे हो। मैं उसमें दो बात अपनी तरफ से और जोड़ना चाहूँ। जो रिपोर्ट मेरे दोरे सारे कामा से, सारे अपने इलाके से रिपोर्ट आई, उनके आधार पर मैं दो बात ये कह रहा हूँ। पहली बात, हमारे पूरे इलाके में एक सदियों की परंपरा है, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान, यूपी, दिल्ली देहात हो, अपा साथ बैठ के छत्तीस बिरादरी गांव में हुक्के हुक्का पीते हैं। हुक्के की घूट लाव हैं, छत्तीस बिरादरी साथ बैठती है, भाईचारा मजबूत होता है। पर बरसों की परंपरा है, सदियों की परंपरा है। मगर ये मेरी एक या अपने बालक की विनती बानियों, कुछ दिनों खातर हमने हुक्के का टाल करण का फैसला लेना है। हमें थोड़ा दिनों के लिए इससे सावधानी बरतते हुए इसमें बचने की जरूरत है। और अगर कोई फिर भी कोई हुक्के की घूट मारना घना किसी का जी करता हो, तो वह न्यारा हुक्का रखवाए अपने दौरे, और वो हुक्का दूसरे दौरे दूसरे किसी आदमी के पास जाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, अपा टाइम पास करण खातर ताशा पे मन जाए, वो उसमें भी सावधानी बरत की जरूरत है। क्योंकि कोरोना का कीटाणु ऐसा कीटाणु है जो किसी ताश ताश की गड्डी पे, ताश किसी एक ताश पे भी कई घंटे तक ये जीवित रह सकता है। और जिसके पास भी वो ताश जाओगा, और अगले इस इन खिलाड़ियों में नहीं, आगे किसी खिलाड़ी के पास जाओगा अगले अगली बाजी में, उसके पास भी कोरोना पहुंच सकता है। हम यूं मान ले हैं कि भाई हुक्के पे सारे बैठे हैं, ताशा पे बैठे हैं, सारे हमारे जानकार हैं, किसी को कोई तरह कोरोना नहीं। भाई देखो, पूरी दुनिया में किसी कितनी भूडी डाल पिए फैल गई है, बीमारी महामारी है। किसके किसी के लाग जाए किसी को नहीं पता, किसी का कसूर नहीं जिसके लग जाए। मगर भाई, अपना बचाव में बचाव है, बच के चलना है। मने पता है आप अपने बालक पे विश्वास करते हो, मेरे पे विश्वास रखते हो, मेरी यह बात मानोगे, मुझे पूरी इस बात में मेरा पूरा भरोसा है। और मैं अपने बाकी साथियों से भी कहना चाहता हूँ, गांव गांव में, हर गांव में जागरूकता फैलाए। जो भी कोई दीपेंद्र का हितैषी है, वो इस बात को आगे पहुंचाएगा। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। बचाव में ही बचाव है, हम जीतेंगे, कोरोना हारेगा।